छह नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है, अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है, अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है, अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसी हाईस्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत ने रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं, आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटा नगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा की भी कभी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनाड़ोवा तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो ये 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है।
जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।